तो दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज, और क्यों आई हूँ ना वो ना आगे वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मतलब वीडियो में बने रहिए। तो बहुत टेस्टी बनाती बुआ और रसोरा बनाई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मम टाइम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग घर में थे और निकल गए हैं आज ना नम्रता दी लोग आए हुए हैं अंबिकापुर, और नम्रता का ना MBBS वाला वो नीट निकाल ली है, तो MBBS में लग गया है, तो उसके एडमिशन के लिए आ रहे हैं। अंबिकापुर में ही हुआ है तो लेके आए हुए दी लोग, तो आज शिफ्ट कर देंगे। नम्रता का एडमिशन हो चुका है, बस आई अब यहाँ पर मतलब शिफ्ट कर देंगे। तो इसी के लिए दी बुलाई थी कि आना ऐसे कि अपनी मतलब विदाई देने आना ऐसे करके, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और दीदी लोग पहले ही पहुँच गए, हम लोग भी लेट कर दिए क्योंकि दीदी लोग बहुत पहले ही पहुँच गए थे। यही गाड़ी है क्या? हाँ नहीं, ये नहीं है। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं, और अंबिकापुर का कॉलेज मिला हुआ है, कोरबा मिला हुआ था, फिर उसके बाद सेकंड बार वो सेकंड काउंसलिंग में ना अंबिकापुर की दो तीन जगह दी थी, तो अंबिकापुर हुआ, तो यहाँ का चुनी हुई है, तो इसमें जाएगी। और बहुत खुशी है हम लोग को कि उसका लग गया बहुत जल्दी, मतलब एक दो बार में ही निकाल ली। एक साल बस कोचिंग की थी अंबिकापुर में ही, और उसके बाद दूसरे साल अपने मतलब खुद ही पढ़ी तो निकाल ली, कि बहुत इंटेलिजेंट है ना बच्चे, इसकी वजह से खुद ही निकाली। मतलब ज़्यादा ट्यूशन हम लोग बोले सेकेंड साल भी कर लो ऐसे करके, पर वो बोली कि नहीं मैं कर लूँगी मौसी, मतलब मेरे को पता चल गया कैसे आता है तो कर लूँगी, तो वो नीट भी निकाल ली। देखिए तो जा रहे हैं, बहुत खुशी है हम लोग को, चलते चलिए रास्ते में है, मिलती हूँ। चलिए हाँ यही तो फ्लोर है ना, चलो जाए इधर आगे। नंबर तो नहीं पता है जी, ठीक है चलो देख पहुँच गया है, रूम नहीं पता था, मैं बता जी कि ऊपर वाले फ्लोर में आ गए इधर मेरे, यही फिर छोटे पता है मम्मी ये तो छत्ता तो यही दिख रहा है, यही वाला है, ये बोले थे कि छत्ता वाला ही है फ्लोर, उधर तो मधुमक्खी छत्ता कहीं बगल में, तो प्रणाम नहीं किया। अरे वो चल और उधर नम्रता आज एक साथ सफाई में लग गई है, नहीं वो लोग बोले कि जीरा खा पाएंगे बाल्टी है, नहीं बोली तू? हाँ हम लोग को तो नहीं बोले थे, हाँ तो जीरा बोला है बाल्टी खा, मैं नहीं जी हम लोग को नहीं बोला है, तो अच्छा सिटी लोग को बोले होंगे, तो बोली हम नहीं जाएंगे, बहुत नाकनी सफाई में लग गई है अपने रूम की, बाहर में कर लेना डाउन कर लेना, पर अच्छा जगह दी, खुला जगह है, हवा मस्त ठंडा ठंडा मिलेगा यहाँ पे, मतलब ऊपर से भी बहुत अच्छा देखने में भी लगता है, देखने नीचे कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे इतना अच्छा खेत है, हरियाली पूरा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा है। इसी में इधर हॉस्टल है, पूरे में हॉस्टल है जी सर, और वो वाला घर है क्या बगल वाला उधर वो वाला जी, दीदी तैयारी करके जाएगी पूरा फुल, यहाँ पे जमा वगैरह जमा के पूरा जा रही है सामान वगैरह, आप मधुली सिटी दी भी आने वाली है अभी आ रही होगी मिलने के लिए, और एक और रहेगी साथ में बगल में, दो दो मतलब एक रूम में दो बच्चे रह रहे हैं पढ़ने वाले, ऐसे करके बहुत सारा इधर रूम है। कितना फ्लोर है? तीन चार फ्लोर है ना ये? चार है ना, चार, तो ठीक है ऐसे ही ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, मिलूंगी कुछ टाइम में, चलिए वेट कर लिया, अब चलते चलो आ जाओ छोटा, गिराना मत उसमें, मैं डाल बैठू नहीं घुसेगा, दे मैं पकड़ लूँ,
गिरा दे रखी है भाई। निकल रहे थे अभी पहुंच गए हैं इधर। हां मैं आ गए ठीक। हम तो निकल रहे थे अभी नीचे हम लोग खा ले नीचे आ गए हैं बिल्डिंग से। बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं इधर। अच्छा घूम के आएंगे हम लोग तो जाएंगे जी यार। मेरे को भी तो जाना है। इधर जी अभी आ गए तो देखिए कॉलेज अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज, मतलब इधर हॉस्टल है कॉलेज तो उधर है, मतलब ये पूरा सारा इधर हॉस्टल है। वहाँ से वो लास्ट से हॉस्टल बच्चों का ये इधर, और उधर है कॉलेज वो बड़ा वाला कॉलेज ये वाला, और वो एक बन रहा है उधर। तो दी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है चलिए चलेगा। तो स्कूटी वगैरह भी खरीदा गया है चुपके चुपके, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। देखिए आज मिठाई वगैरह खोल रहे हैं, नारियल निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है। शाम हो गया, बहुत ज्यादा शाम हो गया। अच्छा चला वाला के देख वो सहनाई भी बज रहा है मोबाइल में। डैमेज हो गया है ना, स्कूटी का पेड़ा नम्रता का मीठा मिल गया हम लोग को। गाड़ी के अंदर सब डालती है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं नहीं इलेक्ट्रॉनिक नहीं, नहीं इलेक्ट्रॉनिक हाँ एक्टिवा है सही। वो सही गाड़ी कब लिए तू? कल वो देखते सब चले गए। बाय बाय, जल्दी आना मिलने। हाँ हम लोग यही है आते रहेंगे। बाल्टी कितने का रहा होगा? नहीं पता जी मेरे को बाल्टी। अभी ना नम्रता को छोड़ के जा रहे हैं, अब हॉस्टल में रहेगी नम्रता। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अच्छा लगेगा उसको भी। और कॉलेज तो देख ही नहीं पाए क्योंकि यहीं पे ही बहुत रात हो गया इधर उधर करते हुए। दीदी कुछ कुछ खाने का सामान लेके आई थी ना, तो वो सब दे दी थी हम लोग को, मीठा वगैरह लेके आई थी। वो सब करने में बात उत करने में ही बहुत समय लग गया। रात उत फिर आएंगे क्योंकि अंबिकापुर में ही नम्रता, तो हम लोग भी यहीं हैं तो आते ही रहेंगे। तो बाद में देखूँगी कॉलेज यहाँ का, ठीक है? हाँ नम्रता बाय। ठीक है ना। और बहुत बड़ा अंबिकापुर का ये कॉलेज है। यहाँ पे देखिए बड़ा बिल्डिंग बन रहा है अभी, और ये वाला ये कॉलेज है ये वाला इधर सामने का ये। तो नम्रता यहीं आएगी पढ़ने के लिए, और अब जब ये बन जाएगा तब फिर ये वाले में। काफ़ी अच्छा जगह है अंबिकापुर, मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ। अंबिकापुर में थी पर ना एक आध बार भी नहीं आई थी, आने का ही कभी मौका ही नहीं मिला था। पर अब आए हैं, अब मिला है मौका तो आए हुए हैं। और बीच बीच में कभी आते रहेंगे नम्रता को देखने के लिए। तो वैसे हम लोग घर पहुँच गए हैं अभी, और अभी ना खाना वगैरह बनाना है। और दीदी भी हमें बहुत सारा खाने के लिए दी हुई है, और आज है कर्मा। तो आप सभी को कर्मा की शुभकामनाएं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना भूल गई थी। तो जो जो मतलब यहाँ से हैं सरगुजा से, तो ज़रूर जानते होंगे कर्मा। तो हमारे यहाँ हमारा त्यौहार है कर्मा, तो अपने भाई के लिए रहा जाता है कर्मा त्यौहार। उपवास रहा जाता है, जाई जगाया जाता है, और कहानी सुना जाता है, ऐसे करके मनाया जाता है। उपवास रहते दिन भर निर्जला, और शाम को पूजा वूजा करके खाया जाता है। पर मैं तो शुरू से ही नहीं रहती हूँ, दीदी लोग मेरे रहते थे, पर अब मैं तो शुरू से ही नहीं रह रही थी ना, इसलिए नहीं रही हूँ अभी तक। पर त्यौहार हम लोग का बहुत मज़ा आता है कर्मा त्यौहार। तो त्यौहार कर्मा त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। और दीदी कर्मा त्यौहार पर क्या क्या बना के दी है चलिए दिखाती हूँ। तो हमारे यहाँ बच्चे ना जैसे लाई हूँ और खाने में टूट पड़े, आधा खा लिए हैं, जितना बचाए हूँ आप सभी को दिखाती हूँ। चलिए
तो दीदी दे दी हमें, ये देखिए पुआ रोटी बनाई हुई थी, तो दी है पुआ रोटी। और दीदी इतना अच्छा टेस्टी पुआ रोटी बनाती है ना, बहुत ही नरम। पर अभी आप चले दिखाई देती हूँ, ये देखिए ये तो बहुत टेस्टी बनाती पुआ और रसोरा बनाई है। और कर्मा त्यौहार का ये मेन ये डिश है हम लोग का रसोरा। तो उपवास जो रहते हैं ना, वो शाम को उपवास के बाद रसोड़ा खाते हैं, रसोड़ा ये। और पनीर की सब्जी दी हुई है, इसमें रखा हुआ है ये पनीर, मटर, चना की सब्जी, मटर नहीं काबुली चना, आलू और पनीर की सब्जी तो दी है। बच्चे खाना स्टार्ट कर दिए थे, इसमें फुल था पर आधा कर डाले हैं। इधर परी निकाली हुई खाने के लिए, तो ऐसे अभी मैं खाना बना रही हूँ। और सब्जी में बन रहा सोयाबीन आलू की सब्जी, और जो दीदी जो पनीर तो था ही। और ना अभी सेवई बना रही हूँ, सेवई ना ये जाएगा हॉस्पिटल, और सब्जी भी जाएगा, चावल जाएगा, क्योंकि मेरे जो ससुराल में ना बड़े पापा है ना, उनका तबीयत ख़राब हो गया, तो यहाँ जिला हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके लिए खाना भिजवा रही हूँ, मतलब खाना जाएगा। और ये सेवई ना चंदा है, मतलब चंदा भाची मेरी, तो वो ना कर्मा है, तो कर्मा उपवास है, इसकी वजह से वो सेवई खाएगी, क्योंकि खाना तो नहीं खाते हैं रात में, वो नहीं खाती है, बहुत कोई लोग खा लेते हैं, बहुत कोई नहीं खाते हैं, वो नहीं खाती है, तो उसके लिए सेवई बना दे रही हूँ। तो अभी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, भिजवा दूँगी ठीक, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो जा रहे हैं, इसकी वजह से मिलती हूँ।